इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वेरीज नीडल। लैप्रोस्कोपिक एक्सेस टेक्निक होती है। लैप्रोस्कोप जब हम अंदर डालते हैं इनसाइड द एब्डोमन, व्हेन वी वांट टू रीच द पेरिटोनियल कैविटी, देन फर्स्ट वी गो थ्रू दिस वेरीज नीडल। वी इंसर्ट द वेरीज नीडल, वी फिल सम एयर इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी, उसको कहते हैं न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करना। न्यूमोपेरिटोनियम थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हम ट्रोकार और कैन्यूला के थ्रू अब्डोमिनल कैविटी में एंटर करते हैं तो विसरल इंजरीज की चांसेस कम हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये वेरीज नीडल है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। इसमें इफ यू एक बाहर नीडल है, वेरीज नीडल है, शार्प पार्ट है इसका, और अंदर एक ब्लंट टिप वाला एक रॉड जैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्टाइलेट बोलते हैं। आई विल ओपन दिस एंड शो इट टू यू। ओके, तो ये जो अंदर है इसकी टिप ब्लंट है और इसमें एक साइड में एक आई भी है, एक ओपनिंग है, और यहाँ पे एक वॉल्व जैसा है जिससे एयर एंट्री यहाँ से कनेक्ट करते हैं, CO2 का जो सप्लाई है, और ये वॉल्व है। जब ये अलाइन रहता है, स्टाइलेट के पैरेलल रहता है तो एयर एंट्री होती है, जब ये परपेंडिकुलर हो जाता है तो एयर एंट्री बंद हो जाती है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज देयर, स्प्रिंग का यूज होता है। स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, कि जब भी कोई रेजिस्टेंस आता है तो ये जो शार्प टिप है नीडल की, ये नीडल देखिए, नीडल की ये टिप है, दिस इज वेरी शार्प। So whenever there is any resistance to entry, only then this sharp tip will come out. जब अंदर peritoneal cavity में पहुंचे तो वैसे ही ये stylet वाली tip बाहर आ जाती है जो कि blunt है, और blunt tip बाहर आती है उस spring की वजह से, है ना? तो हाँ, now before using the varies needle you have to ensure some points. पहला तो ये कि ये जो है वेरीज नीडल, इट शुड बी पेटेंट। तो यहाँ से एक सिरिंज कनेक्ट करेंगे, सलाइन फिल्ड सिरिंज कनेक्ट करेंगे, फ्लश करेंगे नीडल को। देर शुड बी फ्री फ्लो, द नीडल शुड बी पेटेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, यू शुड चेक द स्प्रिंग एक्शन, ऐसे करके स्प्रिंग एक्शन चेक करेंगे वेरीज नीडल का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे गार्ड करके हमेशा वेरीज नीडल को होल्ड करते हैं। वेरीज नीडल को हमेशा यू होल्ड इट लाइक अ डार्ट। तो ये जो गार्डिंग फिंगर है ना, इस गार्डिंग फिंगर की वजह से आप अपने हैंड को रोक सकते हो जब भी चाहिए तो। तो फर्स्ट दिस इज द फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, दिस इज द अम्बलाइकस, कैन यू सी, दिस इज द अम्बलाइकस, दिस इज द इंफीरियर क्रीज ऑफ द अम्बलाइकस। ओके, सो वी गिव अ स्टैब, फर्स्ट वी गिव अ स्टैब इंसिजन हियर थ्रू अ स्काल्पल, वी गिव अ वेरी स्मॉल स्टैब इंसिजन, 3 mm इंसिजन इन टू द इंपीरियर क्रीज ऑफ अम्बलाइकस। उसके बाद में हम उसको जो है वो मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स से थोड़ा सा डायल। उस लिफ्ट पेशेंट इज इन 15 degree ट्रेंड एंड बर्न, हेड डाउन। ओके, तो बाउल्स हैव गॉन ऊपर एंड द असिस्टेंट इज होल्डिंग द फोल्ड ऑफ द स्किन ओवर हियर एंड लिफ्टिंग इट अप। ओके, क्रिएटिंग अ स्पेस इन साइड द पेरिटोनियल कैविटी फॉर सेफ्टी पर्पज। नाउ यू टेक योर वेरीज नीडल, होल्ड इट इन गार्ड फैशन एंड देन यू हैव टू मेक स्पेस थ्रू दैट इंसिजन साइड। अभी थ्रू दैट इंसिजन साइड वेन यू गो, वॉट यू हैव टू रिमेम्बर, द एंगल ऑफ द वेरीज नीडल विद द बॉडी ऑफ द पेशेंट शुड बी 45 degree। द एंगल ऑफ द वेरीज नीडल विद द स्किन फोल्ड दैट यू हैव एलिवेटेड, इट शुड बी 90 degrees। ओके, एंड द वेरीज नीडल शुड बी द पॉइंट ऑफ द टिप ऑफ द नीडल शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एनस। देन यू विल इंसर्ट द नीडल वेरी केयरफुली एंड यू विल हियर फील 2 click sounds, वन व्हेन इट एंटर्स थ्रू द रेक्टस शीट एंड द सेकेंड व्हेन इट एंटर्स थ्रू द पेरिटोनियम। तो अभी नाउ वी हैव रीच्ड द पेरिटोनियल कैविटी, यू हैव रीच्ड द पेरिटोनियल कैविटी। Now, how to confirm that you are inside the peritoneum only और किसी closed space में नहीं हो, bladder के अंदर तो नहीं चले गए, bowel के अंदर तो नहीं चले गए, तो उसके tests होते हैं।
In you will ask your assistant to hold the varis needle in this position only. It should not be displaced. And then you have to perform certain tests. You will take a 5 cc syringe and fill it with normal saline. Connect it over here and look, check for the free flow of the saline. This is called irrigation test. The saline should go freely. Second test is suction test. So what you will do? You will, the same syringe you will use to withdraw some fluid. Okay. Once you are trying to withdraw, nothing should come out if it is there in the peritoneal cavity. Only air. Where is the fluid in the peritoneal cavity? It is in the paracolic gutters. So nothing will come out. Okay. If something is coming out, then you are in a closed space, either in the bladder or in the bowel or anywhere. ठीक है. तीसरा टेस्ट होता है हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट. हैंगिंग ड्रॉप सलाइन. हैंगिंग ड्रॉप सलाइन की इसके ऊपर प्लेस करेंगे. जब एक ड्रॉप सलाइन की इसके ऊपर प्लेस किया और स्किन को लिफ्ट किया, अब्डोमन को लिफ्ट किया, तो वो ड्रॉप सक हो जाएगी अंदर. अगर वो सक हो जाती तो यू आर इन द पेरिटोनियल कैविटी. सो वंस यू हैव कंफर्म्ड एंट्री इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी, व्हाट यू विल डू? यू विल यूज दिस वेरीज नीडल टू क्रिएट न्यूमो पेरिटोनियम. The maximum rate of airflow through varis needle is 2.5 liters per minute and the ideal rate should be 1 liters per minute. Okay, you will use this varis needle till about 200 ml of pneumoperitoneum is created inside.